हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा, मैं सिलेबस की एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं रेफरेंस बुक्स भी नहीं बताने जा रहा। आज मैं बात करूंगा कुछ उन टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो CSI नेट लाइसेंस जैसे किसी भी MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन को आप 100% क्वालिफाई कर लोगे। वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्या? देखिए, ये 6 ट्रिक्स हैं जिनको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको बहुत ध्यान से हर ट्रिक को समझने की ज़रूरत है और उनको इम्प्लीमेंट करना सीखना है। देखिए, बहुत बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत अच्छे स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप उनसे बात करिए, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? कोई ऐसा स्टूडेंट जो साल भर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिसका नॉलेज लेवल आपको पता है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है, एंड स्टिल ही कुडंट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एंड यू फील सरप्राइज, इसका क्यों नहीं हुआ? आप उनसे बात करिए तो पता चलता है दे मेड सम मिस्टेक, दे मेक सम एक्सक्यूज़, लाइक कुछ बोलेंगे कि यार पता नहीं वहाँ पर दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, कुछ बोलेंगे वहाँ पे गलत हो गया, घर आके देखा तो सही हो रहा था, यार मुझे आता था मैं गलत कर आया, कुछ बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट में कमी हो गई, कुछ बोलेंगे यार आउट ऑफ सिलेबस आया, कुछ कहेंगे हम पेपर पूरा देख ही नहीं पाए। भाई तो बहुत वैरायटी ऑफ एक्सक्यूजेस मिलते हैं। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए कोई भी एक्सक्यूज आपको देना नहीं पड़ेगा, और मैंने बोला ना 100% आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान से सुनिए, देखिए पहली ट्रिक क्या, पहली टेक्निक जो आपको यूज़ करनी, उसको बोलते हैं रैंडम स्टार्ट, मेथड ऑफ रैंडम स्टार्ट। रैंडम स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ? अगर आप, मैं पारसी के एग्जांपल लेके देता हूँ, पारसी से मोस्टली बच्चे घबराते हैं, उसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, 75 आते हैं, आपको अटेम्प्ट सिर्फ 25 करने, चॉइस भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए 75 से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपके पेपर में टोटल 145 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 71 से 145 तक जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग ये गलती करते हैं कि हम कमिटमेंट करके जाते हैं, हम अपने मन में सोच लेते हैं कि आई विल स्टार्ट सेक्शन सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71, फिर 72, फिर 73, फिर 74, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, पार्ट सी में पहुंचे, आपने क्वेश्चन स्क्रॉल किए और जहां जो क्वेश्चन आपको आता है वहां से आपने स्टार्ट कर दिया। मान लिया आपका जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, आपका जेनेटिक्स का पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, आपने स्क्रॉल किया, वहाँ पे आपको कहीं पे डिग्री का डायग्राम दिखाई दिया, आपने क्या करा वहाँ से स्टार्ट कर दिया। देखिए इस मेथड का एडवांटेज क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका साइड में कंप्यूटर में आ भी जाता है आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आपको भी पता है CSI का सिलेबस बहुत वास्ट है और ये तो संभव नहीं कि आपने 100% सिलेबस तैयार किया हो। ठीक है, सपोज आपने कुछ एरियाज जिनको तैयार नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 71 से वो एरियाज थे, यानी जो क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट हुए वो उसी एरियाज से थे, तो आपको 71 नहीं आए, 72 नहीं आए, 73 नहीं आए, मानो बस 7-8 क्वेश्चन उस एरिया के, आपको एक भी नहीं आ रहे। नतीजा क्या हुआ, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हुई थी लेकिन उसके बाद जो भी क्वेश्चन फैमिलियर भी दिखेगा ना, आप जानबूझ के उसको अटेम्प्ट करोगे, भले वो आपको नहीं आता होगा, क्योंकि आपको लगेगा ऑलरेडी मेरे इतने छूट गए, अब तो सिलेक्शन की गुंजाइश है नहीं, जो मिलना यार करो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स के साथ। देखिए आपको अपने आप को कमिट नहीं करना है, आपको मैंने बोला रैंडम स्टार्ट के टेक्निक को सीखना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जहाँ से क्वेश्चन आपको आता हो वहाँ से स्टार्ट करिए ना। आपको क्वेश्चन नंबर मालूम, मैंने बोला क्वेश्चन 110 आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, 10 करिए, 11 देखिए, 12 देखिए, ऐसे करते हुए आप आगे बढ़िए। और कभी भी हर क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करिए। देखिए क्वेश्चन के जब आप पेरिफेरल विजन में क्वेश्चन देखते हो आपको पता लग जाता है ये आपके एरिया का है कि नहीं है, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। जो क्वेश्चंस आपके एरिया के हैं, जो एरियाज आपने प्रिपेयर किए उनके क्वेश्चंस को रीड करिए, उसमें टाइम स्पेंड करिए। जो क्वेश्चंस अनफेमिलियर उनको पहले गो में छोड़ दीजिए, जब फर्स्ट गो में आप जा रहे हैं छोड़ दिए उन क्वेश्चंस को, यू गो टिल 145, हो सकता 145 तक आपको इतने फेमिलियर क्वेश्चंस मिल जाए जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, फिर आपको अनफेमिलियर क्वेश्चंस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, तो इस ट्रिक को जरूर अपनाइएगा, भूलिएगा नहीं, इसको जरूर अपनाइएगा, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। दूसरी टिक अगर आपको मैं बताऊं, जब भी आप कोई MCQ बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपको सिखाया जाता है कि दो तरकीब हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने, एक जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन मेथड, एक जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सिलेक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ, यू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जो हमारा नेचर भी है ना, मार्केट में कोई सामान लेना हम सेलेक्ट करते हैं, यार ये दे दो मुझे, मुझे ये दे दो, वी हैव दिस हैबिट ऑफ सेलेक्टिंग थिंग्स। ओके, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, दे आर मोर और लेस करेक्ट, वन ऑफ देम इज मोर करेक्ट, वन ऑफ देम इज लेस करेक्ट, एंड यू इफ यू हैव डेवलप दिस हैबिट ऑफ सेलेक्टिंग द ऑप्शंस, आप क्या करोगे, बाई चांस मान लीजिए लेस करेक्ट वाला ऑप्शन पर आपकी नजर पड़ी, आपने उसको टिक किया और आगे बढ़ गए, एंड यू आर कॉन्फिडेंट ये तो मेरा सही हो रहा है। सपोज ये क्वेश्चन सेक्शन सी का था, 4 क्वेश्चन,
गलत हुआ, चार गए प्लस निगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन और, एक मार्क्स और गया, 5 मार्क्स का नुकसान हो गया। ठीक है, अगर आपने सेलेक्शन के साथ एलिमिनेशन की मेथड की भी आदत डाल रखी है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या, वो समझने की कोशिश करिए कि आपने सेलेक्ट किया करेक्ट ऑप्शन को, उसके बाद बाकी 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, यार ये नहीं हो सकते। एलिमिनेशन की मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, कई बार 2 ऑप्शंस कहीं स्टक कर रहे हो तो एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। आप देखिए, आप हर हालत में 100% सही ऑप्शन चूज करके बैठेंगे। ठीक है, तो 2 मेथड हो गया, पहला हो गया मेथड ऑफ रेंडम स्टार्ट, दूसरा मेथड हो गया डेवलप हैबिट ऑफ सेलेक्शन एंड एलिमिनेशन, इन दोनों से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तीसरा मेथड, टेक हेल्प ऑफ ऑप्शंस। हेल्प ऑफ ऑप्शंस क्यों लें, अगेन मैं पार्ट सी से ही एग्जांपल पुट करता हूँ, वैसे तो हर पार्ट पे एप्लीकेबल है। लाइक आप इस चीज़ को समझिए कि आपने देखा पार्ट सी में बड़ा सा क्वेश्चन, आपने रीड किया, पार्ट सी नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, फिर चार स्टेटमेंट्स, उसके बाद उन्हें ऑप्शंस दिए। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जब आपने चारों स्टेटमेंट पढ़े, सडनली आपको रियलाइज हुआ कि यार ये स्टेटमेंट सी तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या कहती है कि आप एक नज़र ऑप्शंस पे डाल लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो 4 ऑप्शंस दिए उनमें 3 ऑप्शंस में सी है और एक में नहीं है। अब सी को लेकर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि सी कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन, तो वो 3 ऑप्शंस तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। आपको पता करेक्ट आंसर क्या है, दैट विल सेव योर टाइम। ओके, सो यू कैन गो फॉर दिस टेक्निक ऑल्सो, टेक हेल्प ऑफ ऑप्शंस। हेल्प ऑफ ऑप्शंस इवन जो क्वेश्चंस जिसमें नहीं मिलाने वाले आते उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है, कि आपने एक मिला लिया, बाकी ऑप्शंस में देखा ये इससे मिलना है, बहुत ही यूजफुल होता है। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो सब इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। देखिए, सेलेक्शन होना और नॉलेज होना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं तकरीबन 20 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने अपने इस 20 साल के ड्यूरेशन में बहुत अच्छे बच्चों को देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मुझे लगता था यार 100%, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इस समय अब्रॉड बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए हैं, विश्वास मानो दे कुडंट क्वालिफाई, जे आर एफ दे गॉट, किसी का LS निकला। सो सोचिए होता क्या है कि नॉलेज होना और नॉलेज को अप्लाई करना, देखिए उसके लिए आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, आपका टेम्परामेंट होना चाहिए, आप सेंसिबल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको विनर बनाती हैं। कहते नहीं कि हाई IQ इज नॉट ए गारंटी फॉर योर सक्सेस इन लाइफ, बट हाई EQ इमोशनल इंटेलिजेंस इज। ठीक, हम लोग और उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ, 3 ट्रिक्स हो गई, चौथे ट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत यूजफुल है इस एग्जाम में। देखिए, 145 क्वेश्चन, 180 मिनट का पेपर, बात समझ रहे हैं आप, और उसमें भी पार्ट सी के अगर क्वेश्चन आप देखिए आधे आधे पेज का एक क्वेश्चन होता है। सी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप 145 क्वेश्चंस के गो थ्रू कर लेंगे, उनको रीड कर लेंगे, समझ लेंगे इन अ ड्यूरेशन ऑफ 180 मिनट्स, बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत रेलेवेंट हो जाता है। आप पहले से ही अपना कमिटमेंट करके चलिए, एक मन में एक रफ आइडिया लेके चलिए कि हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन पार्ट ए, हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन पार्ट बी, एंड ऑब्वियसली यू विल बी सेविंग मोर टाइम फॉर पार्ट सी, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस में ढूंढने हैं क्वेश्चंस। ओके, एंड बिकॉज दीज आर बिगर क्वेश्चंस ऑल्सो, सो यू विल बी सेविंग मोर टाइम फॉर पार्ट सी। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, बट आई कैन टेल यू आई नो मैनी एग्जाम्पल्स जहाँ पे स्टूडेंट्स, लाइक देर वॉज वन गर्ल स्टूडेंट, वॉट शी डिड कि सेक्शन ए, शी वॉज गुड इन एप्टीट्यूड पोर्शन एंड शी स्पेंट मोर देन 60 मिनट इन सेक्शन ए, उसमें 2 क्वेश्चन उसके अटक गए एंड शी वॉज कि ये तो मैं करके रहूँगी, एंड यू नो वॉट हैपन्स आफ्टर दैट। भाई आपने जहाँ टाइम स्पेंड कर दिया एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा, उसके बाद पार्ट बी और फिर पार्ट सी पहुँचते पहुँचते आपको रियलाइज होने लगता है कि टाइम इज क्लिकिंग एंड यू लूज फोकस एंड पैनिक सेट्स इन, और फिर आते हुए क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व नहीं होते। देखिए, भगवान नहीं जानता कि आप जो 6 महीने आपने, देखिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक तरीके से होती है, आपने 6 मंथ्स बहुत मेहनत करी फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, और उस 3 घंटे में अगर आपने गलती करी तो पता नहीं नेक्स्ट 6 मंथ आपको उसमें से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, आपने एक रूटीन डेवलप किया था कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूँ, बहुत आपके घर वालों सब ने कोऑपरेट किया और आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बट वहाँ 3 घंटे में आपने टाइम मैनेज नहीं किया, सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट की आदत डालिए, और टाइम मैनेजमेंट की आदत डालने का सबसे अच्छा तरीका घर से डेवलप करिए, है ना, घर पर जब पेपर सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, घड़ी पर ध्यान रखिए, ये हैबिट डालिए। ठीक है, ये हो गई चौथी टेक्निक। अब 5वीं टेक्निक की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं
कंट्रोलिंग इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप भी जानते हैं, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपके रिश्तेदार लोग लेते हैं, ठीक है, और ये आपके ऊपर प्रेशर पुट करता है। मेनी टाइम्स यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस टू प्रूव अ पॉइंट टू समबडी एल्स, ठीक है, या आप खुद इमोशनल हो जाती है कि यार ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, फिर मैं ये, इन इमोशंस को रोकना है। ये देखिए इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको दिखाऊं। जैसे आपने तैयारी करी और आप सोच के गए कि इस बार जेनेटिक्स बहुत आने वाली है, या आपका जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, यू आर वेरी, या आपका इकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, या आपका बायोकेमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, एंड यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट टॉपिक, और एग्जाम हॉल में पहुंचे, आपने क्वेश्चंस जब नज़र डाली तो मालूम पड़ा बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ गए, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए उस एरिया से। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो, तो आप डरने लगोगे, यार जब सबसे स्ट्रांग एरिया के क्वेश्चन मेरे मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे तो बाकी मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, इट शोज योर टेम्परामेंट। तो इसकी जो अपने इमोशंस है इसको हैंडल करना सीखिए, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे आप सभी चीज़ों से डिटैच्ड होंगे, ना किसी रिश्तेदार से आपको कोई लेना देना, किसी को आपको कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना, ना किसी सब्जेक्ट्स की आपकी कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। जब आप पेपर दे रहे हैं जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पर फोकस करिए, वो क्या कह रहा है, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा ना, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। और लास्ट टेक्निक जो मैं बोलूँगा, लास्ट मेथड जिसको आपको ध्यान देना है, वो एग्जामिनेशन हॉल से स्टार्ट नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है जब से आपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी। उसको बोलते हैं डेवलपिंग कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज़। जब आप घर पे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब से डेवलप हो जाता है। और विश्वास मानिए 0.5 और 0.6 यानी कि कंट्रोलिंग इमोशंस और लास्ट वाला जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बोला जिसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू डेवलप कॉन्फिडेंस योर एबिलिटीज़, या मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ जिसमें मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट, इन तीन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। बट माइंड यू एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो 500 रुपये में 22 वाली टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कर लीजिएगा। वो नीट लेवल के क्वेश्चन करा करा के आपको झाड़ पे चढ़ा देंगे, यू विल फील आपको बहुत आता है, एग्जाम में पहुँचे लेवल ही अलग है, ठीक है। तो जब मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, इंश्योर करिए आप अच्छे इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर रहे हैं जिनका कोई क्रेडेंशियल्स हो, ताकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको अच्छे मिले। जब आप अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालेंगे तो एग्जाम में वो हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको 6 ट्रिक्स बताई, इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप इम्प्लीमेंट करने की आदत डालिए। विश्वास मानिए, मैं अश्योर कर रहा हूँ, मैं अपने 20 साल के टीचिंग कैरियर का एक्सपीरियंस है आपको बता रहा हूँ कि अगर ये ट्रिक्स आपने अपनाई एग्जाम के दौरान, यू विल क्वालिफाई 100% इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं और भी कुछ ऐसे वीडियोस के साथ आऊँगा, कुछ और चीज़ें आपको ऐसी सिखाऊंगा जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अपने एग्जाम में सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। देखिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई सिर्फ आप ही के एग्जाम के लिए नहीं, और भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो फ्रेंड्स और एग्जाम्स की तैयारी, उनको भी शेयर करें, उनको बताइए क्या रैंडम स्टार्ट करो, क्यों कमिट करो कि मुझे पहले यही चूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई आप ये और भी एग्जाम्स में इंप्लीमेंट करिए आ सके। तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत जल्द मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।